हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना नाना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा पांच ऐसे तरीके कि आप फिक्स कर सकेंगे उसके साथ जो फाइल पाथ स्पेसिफाइड है, जो आपका फाइल का पाथ है वो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक्सेस नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में हम ये फिक्स करेंगे पांच ऐसे तरीकों से जिससे आप अपने फाइल पाथ को जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है, हम कमांड प्रॉम्प्ट से अगर एक्सेस करने की कोशिश करें तो होता क्या है कि अगर हमारी फाइल जो है एडमिनिस्ट्रेटर उसको परमिशन दे रहा है तो फिर वो एक्सेस हो सकती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर उसको नहीं दे रहा परमिशन तो वो हमारी फाइल एक्सेस बिल्कुल नहीं हो सकती, हम इसको किसी भी सूरत में एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए देखें, सिंपली हम अगर यहाँ पे CMD लिख के रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो ये देखें इसको एक्सेस दे रहा है हमारे फाइल को। ये देखें, ये हमारा जो है किसी भी फाइल को हम यहाँ पे पाथ को पुट करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सेस दे देगा। ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो इसने परमिशन दे दी है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं दे रहा तो आप वहाँ से इसकी परमिशन दिला दी। उसके बाद इंश्योर द फाइल इज नॉट पासवर्ड करेक्टेड प्रोटेक्टेड। तो आप जो है आपकी जो फाइल है वो अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपने उस पर पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, कोई भी पासवर्ड आपने लगाया हुआ है आपको याद नहीं है, तो आप वहां से जाके आप जो है ना अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए या फिर आप जो है वहां से इसका पासवर्ड रिमूव कर दीजिए। उसके बाद फाइल को आप एक्सेस करेंगे तो आपकी जो है फाइल एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है, चेक योर सिस्टम फॉर वायरस। अपने सिस्टम को वायरसेस के थ्रू चेक करें क्योंकि बाज़ औक़ात वायरसेस जो होते हैं हमारी जो फाइल को वो डिलीट कर देते हैं। तो हमें उसका फाइल पर अगर पाथ हम डाल रहे हैं तो फाइल ही जब नहीं है तो फिर पाथ वो कैसे एक्सेस करवाएगा हमें। इसके लिए हमने विंडोज सिक्योरिटी में चले जाना है। विंडोज सिक्योरिटी में जाने के बाद हमने यहाँ पे अपना जो है यहाँ से रन करना है वायरस इन थ्रेड प्रोटेक्शन में। यहाँ से इसको टर्न ऑन कर यहाँ से वायरस इन थ्रेड प्रोटेक्शन यहाँ से आना है हमने, और उसके बाद यहाँ से क्विक स्कैन हमने कर लेना है। तो आपके अगर वायरस वगैरह ऑन नहीं है तो इसको यहाँ से टर्न ऑन कर लीजिए। ये देखिए मैंने टर्न ऑन कर दिया है, दोबारा कह रहा है हम इसको टर्न ऑन कर देते हैं। आपका अगर नहीं टर्न ऑन तो आप टर्न ऑन कर देखिए, यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद आपकी ये फाइल ऑटोमेटिकली जो है वायरस वगैरह को रिमूव करेगा। अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं तो वो भी आप वायरस रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो चौथा मेथड है वो है वेरीफाई द फाइल पाथ। अब अगर हम कोई गलत फाइल पाथ दे रहे हैं तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हमारा जो एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डेस्कटॉप का फाइल पाथ जो है मैं दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया हुआ है या फिर इस फोल्डर का मैंने दिया हुआ है। तो अगर मैं ये फाइल पाथ नहीं है, अगर हमने कोई और चीज़ें बीच में डाली हुई हैं तो फिर ये फाइल पाथ हमारा कभी एक्सेस नहीं होगा। तो इसके लिए आपने ध्यान से दोबारा देखना है फाइल का पाथ और उसको इंश्योर करके आपने उसको ढूंढना है कि वो रियल फाइल पाथ है या फिर आपका आप जो है ना गलती कर लेता है उसकी वजह से आपका पाथ जो है गलत है, तो फिर आप उसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कीजिए। यहाँ से जाके आपने सिंपली सेटिंग्स पे आ जाना है। यहाँ से सेटिंग्स पे हम चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद हमने अपने जो है विंडोज सिस्टम को अपडेट कर लेना है। यहाँ से हम चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हमारी कोई अपडेट आ गई तो हम इस विंडोज सिस्टम को अपडेट करेंगे, उसके बाद हमारा ये एरर चला जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।